गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक्कर तेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस ये वीडियो मैं बहुत ही मुश्किल से बना रहा हूँ। मैंने बहुत ही सोच समझ के मैं इसको जो है वीडियो बना रहा हूँ। मेरा बनाने का मन नहीं था, मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मगर बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं आधा से ज़्यादा शायद इसी से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्विगी जोमेटो पे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। अगर आप जो है ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप स्विगी जोमेटो कैसे बिजनेस करें उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी जो यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं जो वो इससे रिलेटेड नहीं है, तो वो शायद ये वीडियो ना देखें। मगर आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर कुछ करना चाहते हैं फूड सेक्शन में, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर आप इस समय खाली बैठे हुए हैं, एक बिजनेस करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं जो है फूड का बिजनेस अपने घर से ही करना चाहता हूं, या आप ऑफलाइन खोल के जैसे कि रेस्टोरेंट खोलते हैं, छोटा मोटा दुकान खोल के वहां से करना चाहते हैं, तो जोमेटो स्विगी पे कैसे ऐड किया जाता, कैसे ऐड हुआ जाता है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप जो है करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले प्रोसेस यहाँ पे ये है कि अगर आप घर से क्लाउड किचन खोलना चाहते हैं, रसोई मतलब आप घर से ही काम करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन आप यहाँ पे जोमेटो स्विगी पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाइसेंस के बारे में, क्योंकि इसमें लाइसेंस चाहिए होता है तभी आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो इसमें जो है फूड का लाइसेंस चाहिए होता है FSSSI का। पहले क्या था कि यहाँ पे एक अभी भी है, रजिस्ट्रेशन है और लाइसेंस है, दो में से एक लेना होता था। पहले रजिस्ट्रेशन से काम हो जाता था जिसकी फ़ीस 100 रुपीज़ होती थी गवर्नमेंट की, मगर अब क्या है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है जैसे कुछ कैटेगरीज में मैंडेटरी कर दिया गया है, स्टेट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन हटा दिया गया। जैसे कि क्लाउड किचन, अगर आप घर से करना चाहते हैं, होम बेस्ड किचन है, तब आप क्लाउड किचन का स्टेट लाइसेंस लीजिए, नहीं तो अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो माना नहीं जाएगा, मतलब कि वो बनेगा नहीं, फिर आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तरफ से यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है। बहुत सारे स्टेट में जो है अब स्टेट लाइसेंस ही लेना होता है, रजिस्ट्रेशन नहीं लगता, बहुत सारे में हो जाता है, बन जाता है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई करके अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उससे भी ज्वाइन हो जाएगा। जोमेटो स्विगी पे कोई दिक्कत नहीं है ज्वाइन होने में, बस आपको फूड का एक आपको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कुछ भी मिल जाए आप दे सकते हैं वहाँ पर, फिर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन बन जाए तो रजिस्ट्रेशन बनवा लीजिए, अगर आप स्टेट लाइसेंस अगर बनता है तो वो बनवा सकते हैं। तो स्टेट लाइसेंस की जो फ़ीस होती है, गवर्नमेंट की जो फ़ीस होती है, वो 2000 रुपये एक साल की होती है। अब दोस्तों ये जो लाइसेंस होता है ये फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FSSAI, और ये गवर्नमेंट की जो है संस्था होती है, कोई भी बिजनेस हो फूड का वहाँ पे करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करती है, वहाँ से लेना होता है। भले आप जो है इलीगल बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फूड रेस्टोरेंट खोल लिया है, लाइसेंस नहीं लिया, तो वो एक तरह से इलीगल होगा, गवर्नमेंट भले नहीं बोलती है, मगर प्रोसेस ये है कि आपको लाइसेंस लेके तब जो है यहाँ पे खोलना चाहिए और सेल करना चाहिए। तो कोई भी फूड का काम करे तो यहाँ से जाके आप इसका लाइसेंस बना सकते हैं। अब लाइसेंस बनाने का जो प्रोसेस है वो भी ऑनलाइन है, FSSAI, ये आप सर्च करेंगे, फोस्कस की एक वेबसाइट है फूड सेफ्टी की, वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस लेने के बाद ये जरूर ध्यान में रखें कि जब भी आप लाइसेंस का यूज नहीं करते हैं तो इसको सरेंडर करना होता है, मतलब कि आपको इसको जो है सरेंडर करके बंद करवाना होता है, वो भी ऑनलाइन प्रोसेस है। तो वो चीज़ें वो ज़रूर करिएगा जब भी आप लाइसेंस ले लेते हैं, ठीक है। नहीं तो पेनाल्टी भी लगती है, रिन्यूअल कराना होता है, अगर रिन्यूअल नहीं कराएंगे पेनाल्टी लगती है 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जाके देख सकते हैं, ठीक है। आप जैसे ही आपका यहाँ पे लाइसेंस बन जाता है तो फिर आपको अब कहाँ जाना है, जोमेटो और स्विगी के पार्टनर वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर अपना रेस्टोरेंट लिस्ट करना है। जी हाँ, रेस्टोरेंट लिस्ट करने के लिए क्या होगा, पहले से ही आप अपना नाम डिसाइड कर लीजिए रेस्टोरेंट का, सारी चीज़ें मेनू वगैरह बना लीजिए, उसके बाद आप जाके जोमेटो पार्टनर नाम से सर्च करेंगे, स्विगी पार्टनर नाम से सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिलेगी, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ पे आप सबमिट करके अपना रेस्टोरेंट वहाँ पे डाल के उसके बाद लिस्ट करेंगे। उसके बाद आपको एक आईडी जनरेट होगी, फिर फॉर्म भरने का प्रोसेस होता है, सारा फॉर्म वॉर्म भर के, जैसे हर फॉर्म भरे जाते हैं ऐसे ये भी भरा जाता है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें क्या लगता है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको FSSAI का फूड लाइसेंस चाहिए, एक वो देना होता है, दूसरा यहाँ पर आपको जो है
आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल देनी होती है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और जीएसटी के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जीएसटी लगेगा नहीं, तो बता दें कि जीएसटी अगर आप देते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ परसेंटेज छूट मिलता है जीएसटी में, जैसे फूड का 5% समथिंग यहाँ पे आता है, तो वो आपको जो है नहीं देना होगा। तो अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तब भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको जीएसटी लेना होगा। अब होता क्या है, कुछ लोग फॉर्म भरते हैं वहाँ पे उनको समझ नहीं आता, गलती से भर देते हैं, तो वहाँ पे अगर आप जीएसटी सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर जीएसटी नंबर डालना ही डालना होता है, अगर नहीं सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शनल होता है, आप उसको छोड़ सकते हैं। उस केस में क्या होता है कि जीएसटी कंपनी आपसे जो चार्ज करती है, मतलब उनका जो चार्जेस होता है, ऑनबोर्डिंग फीस होती है वो 1,000 होती है जोमेटो स्विगी और ऊबर की, और वहीं जो है जो उनका मंथली जो चार्ज होता है, तो ऐसा जो चार्ज मंथली है वो मंथली नहीं होता, पर ऑर्डर के हिसाब से होता है, मतलब कि अगर कोई भी ऑर्डर आता है, जैसे आप लाइव हो जाते हैं रेस्टोरेंट, जैसे ही कोई ऑर्डर आता है तो उसमें से जो है प्लान होते हैं उनके, जो भी प्लान आप सेलेक्ट करते हैं 22%, 24%, 28%, तो उस परसेंटेज के हिसाब से पर ऑर्डर वो काटते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप जोमेटो में यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, जोमेटो में तीन प्लान आते हैं, वहाँ पे बेसिक होता है, प्रीमियम होता है, ऐसे तो तीनों में से कोई भी एक प्लान आप चूज़ करते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज है, और उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब मान लीजिए आप जनरल वाला बेसिक वाला लेते हैं, उसमें दिया हुआ है कि 24% जो है पर ऑर्डर कटेगा, तो जैसे ही कोई 100 रुपये आपको यहाँ पे ऑर्डर करता है तो आप ऑर्डर कर बना उना के दे देते हैं, तो 24 रुपये कंपनी आपके जब भी आपको पेमेंट करेगी काट लेगी। पेमेंट का भी बता दें कि बहुत लोग पूछते हैं कि पेमेंट कब मिलता है, तो पेमेंट यहाँ पे वीकली दिया जाता है, हफ्ते में एक दिन आपको जितना भी ऑर्डर आया हुआ रहता है काट पीट के, जो इनका परसेंटेज होता है वो आपको यहाँ पर दे दिया जाता है, 24% है, 24% काट लेते हैं। अब कुछ चीज़ें और भी होती हैं कि जैसे मान लीजिए आप लेट ऑर्डर देते हैं तो पेनाल्टी भी उनकी कुछ होती है, कुछ ऑर्डर कैंसिल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर मैं एक ही वीडियो बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो मैं बेसिक चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जोमेटो स्विगी पे ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो ये था यहाँ पे पेमेंट के बारे में, पेमेंट के बारे में बता दिया। अब डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा था, तो डॉक्यूमेंट में यही सब चीज़ें लगती हैं बेसिक, बाकी कुछ और नहीं लगता, पैन कार्ड भी आपको यहाँ पे देना होगा, और दे ओके फिर आप सबमिट कर देंगे, फिर आपका जो ये फॉर्म ये ऑनलाइन हो जाएगा। अब दूसरी एक चीज़ और है, मीनू भी बनाना होता है, मीनू जो अपलोड किया जाता है, आपका एक फ़ोटो होना चाहिए, मीनू का आपका खुद का फ़ोटो होना चाहिए, कोई कॉपी मतलब कि ऑनलाइन डाउनलोड करके नहीं लगाना, आपको खुद का मेनू होना चाहिए। अगर आप प्लान प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आपको कंपनी की तरफ से भी आपको यहाँ पे जोमेटो में आपको भेजा जाएगा, कंपनी से रिप्लाई आएंगे, वो फ़ोटो खींच के आपका यहाँ पे अपलोड कर देंगे, वो सारी चीज़ें कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट जोड़ लेते हो, ज्वाइन कर लेते हो, तो आपको सपोर्ट भी मिलता है, फोन नंबर मिलेगा वहाँ पे कस्टमर केयर का, उनसे बात करके सारी चीज़ें आप करके यहाँ पे बहुत सारा हेल्प भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि जो है कोई हेल्प नहीं होगा, शुरू में कोई नहीं होगा जब तक आप ज्वाइन नहीं करें, ज्वाइन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर आपका एक मैनेजर होगा, आपको एक सपोर्ट मिलेगा, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोग जो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं पुराने, उस पर जो है कमेंट करते हैं कि मुझे ज्वाइन करना कैसे करना। अब देखो मैं कमेंट में तो ऐसे बता नहीं सकता हूँ, उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा वीडियो और भी देखने होंगे, प्रैक्टिस करने होंगे, रिसर्च करना होगा सारी चीज़ें, आप एक ही चीज़ बता नहीं सकते ना कमेंट में, तो वो आपको यहाँ पे करना होगा। अगर मान लीजिए आप ऐसे फीमेल हैं जो कि बहुत सारी ऐसी फीमेल और देखते हैं कि बिजनेस करना चाहते हैं, वो पूछ लेते हैं सर कैसे करेंगे, तो ऐसे नहीं होगा, आपको यहाँ पे रिसर्च करना होगा, आप खुद नहीं कर पाओगे जब तक कोई घर में आपके कोई गार्जियन ऐसा नहीं होगा जिनको ऑनलाइन सारी चीज़ें मालूम नहीं होगी, जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप ये बिजनेस कर भी नहीं सकते, क्योंकि ऑर्डर भी ऑनलाइन आते हैं, एप्लीकेशन मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो, सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो सब आना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको जो आपका ऑर्डर वगैरह आता है, क्या होता है, हिसाब किताब, वो सारी चीज़ें वहाँ दिखती हैं, वो भी आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब आप जानोगे तभी कर पाओगे। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि बस एक बार ज्वाइन हो जाएंगे तो काम ख़त्म, ऐसा नहीं है, आपको फिर से जो है यहाँ पे उसमें हमेशा लगना होता है, तभी जाके आप यहाँ पे ये बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो बता दूँ कि ये बिजनेस हम लोग जो है रन कर चुके हैं और उसको छोड़ चुके हैं, तो
इस वजह से ये मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था और वीडियो बहुत चल रहा था, तो फिर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर बताइए बताइए, तो मुझे लगा कि ये वीडियो बना के बताया जाए। तो वीडियो में ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिला होगा, बस मैंने बताया है। तो ये प्रोसेस होता है अगर आप एक बिजनेस रन करना चाहते हैं जोमेटो स्विगी पे, तो आप कोशिश करिए, पहले तो रिसर्च करिए, बहुत सारा वीडियो और भी देखिए, मेरा नहीं दूसरे का देखिए। मेरा देखना चाहते हैं तो फूड लाइसेंस नाम से एक प्लेलिस्ट है, ये भी वीडियो उसी में है, तो वो पूरा प्लेलिस्ट आप जाकर पहले देखिए, सब चीज़ें आप देखेंगे तब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे कि पैकिंग के सामान होते हैं, बोलते हैं कंपनी देगी कि नहीं देगी, तो ऐसा कंपनी उम्पनी कुछ नहीं देती है, बस आपको एक टेप देती है बस खाली, वो भी आप मंगाएंगे बार बार बोलेंगे तब मिलेगा। ये सारा इन्वेस्टमेंट आप ही का होता है, बस कंपनी आपको एक माध्यम प्रोवाइड करती है ऑर्डर लेने के लिए। और जो कुछ लोग बोलते हैं कि डिलीवरी बॉय आता है हमें करना होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बनाना है खाना, डिलीवरी बॉय कंपनी की तरफ से आएगा, पैसा जो है वो कंपनी उसको देगी, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपना खाना बना के उसको दे देना है। वो टाइमिंग होता है, सारी चीज़ें होती है। तो बताया ना कि एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बता सकता, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो फिलहाल वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है, अगर आप एक रेस्टोरेंट या घर से करना चाहते हैं बिजनेस, जुड़ना चाहते हैं जोमेटो स्विगी पे, तो कैसे जुड़ना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कमेंट पूछिए, या तो पहले आप जाइए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे रितेश34 वहाँ पे फॉलो करिए, मैसेज करिए, मैसेज में आप बात करिए, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा अगर और कोई दिक्कत होती है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।